ओके आज जो है हाइड्रोसील है, हाइड्रोसील जो है वो शॉर्ट केस आता है। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें, ये ना सिर्फ स्पर्माटोसील आ सकता है, एपिडर्मल सिस्ट आ सकता है, हाइड्रोसील आ सकता है, ये तीनों शॉर्ट केसेस के तौर पर आते हैं। सिस्ट विच आर एसोसिएटेड विद एपिडर्मस, इट इज़ आइदर एक जो है वो एपिडर्मल सिस्ट हो सकता है या फिर जो है वो स्पर्माटोसील हो सकता है। सबसे पहले जो है हम लोग करते हैं स्पर्माटोसील। स्पर्माटोसील होती क्या है ये बाय बाय में पूछा जाता है, व्हाट इज़ इट? सो यू नीड टू नो कि इट इज़ अ यूनिलोक्युलर रिटेंशन सिस्ट एंड अराइजिंग फ्रॉम द हेड ऑफ द एपिडर्मस होता है। और इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है, एक तो ये सिस्टिक स्वेलिंग है तो आपको फ्लक्चुएंट मिलेगी, प्लस इसमें ट्रांसिल्यूमिनेशन पॉजिटिव मिलेगी। जब आप इसको एस्पिरेट करोगे तो आपको एक बार्ली कलर जो है वाइट किस्म का फ्लूइड मिलेगा एंड दैट एक्चुअली कंटेन्स डेड स्पर्माटोजुआ, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस जब आप इसको एग्जामिनेशन में देखोगे तो यू कैन फील द टेस्ट इज सेपरेटली एंड द लंप इज़ प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियो लैटरल सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टेस्टिस और इट कैन अपीयर लाइक अ थर्ड टेस्टिस की तरह भी ये मिल सकती है आपको एंड यू कैन गेट अबव द टेस्टिस एज वेल इन दिस। ट्रीटमेंट ये होती है कि अगर ये आपको स्मॉल है, ए सिम्टोमेटिक है तो ये सिंपली रीअश्योर द पेशेंट कि आपने कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर ये सिम्टोमेटिक होती है तो फिर आपने पेशेंट को कहना है कि यार इसकी स्पर्माटोसिलेक्टमी कर दो, ये एक्सेशन ऑफ द ये स्पर्माटोसील कर दो, जिसमें आपने जो है काउंसिल करना है पेशेंट को कि इट कैन रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ द इम्पेयरमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म एंड जब आपने इसका ऑपरेशन करना है तो स्पर्माटो सेलेक्टमी के लिए आपने जो है या तो मीडियन राफे के थ्रू आप जा सकते हो या फिर यूनिलैटरल ट्रांसवर्स इंसर्शन दे सकते हो इन द हैवी स्ट्रोटम। आपने लेयर्स को ट्रवर्स करना है, स्किन है, डॉटोस फेशिया है, एक्सटर्नल स्पर्माटिक फेशिया, क्रिमास्ट्रिक बेसल एंड फेशिया, इंटरनल स्पर्माटिक फेशिया, फिर ट्यूनिका वजाइनलिस पर आओगे, ट्यूनिका वजाइनलिस को आप ओपन करते हो। अब आपने स्पर्माटोसील को आइडेंटिफाई करना है और डाइसेक्ट आउट करना है फ्रॉम द एपिडिडिमस और इसको फिर जो इसकी स्पर्माटोसील की जो अटैचमेंट होती है फ्रॉम द एपिडिडिमस इसको लाइगेट एंड डिवाइड करना है टू कम्प्लीट द स्पर्माटोसिलेक्टमी। फिर आप वही लेयर्स जो है आप इसको क्लोज करोगे, ट्यूनिका वजाइनलिस है, डॉटोस है एंड स्किन है। ये जो है व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड इट, इट कैन बी इडियोपैथिक हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी हो सकती है, ट्रॉमेटिक हो सकती है। अच्छा, हाउ डू यू एक्चुअली डिफरेंशिएट अ स्पर्माटोसील फ्रॉम अ हाइड्रोसील ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन? स्पर्माटोसील एक तो सिस्टिक होती है, हाइड्रोसील भी सिस्टिक होती है, आपका जो है ये अराइज हो रही होती है सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टेस्टिस से, पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द टेस्टिस से, इट अपीयर्स लाइक अ थर्ड टेस्टिस एंड यू कैन फील द टेस्टिस सेपरेटली और यू कैन गेट अबव द टेस्टिस एज वेल एंड इट डज ट्रांसिल्यूमिनेट एंड इट इज़ सिस्टिक, ठीक है। बट हाइड्रोसील इज ऑल्सो सिस्टिक एंड ट्रांसिल्यूमिनेट्स, लेकिन उसमें जो है यू कैन नॉट, अगर हाइड्रोसील में जो है टेस्टिस कैन नॉट बी फेल्ट सेपरेटली है। नाउ तीन किस्म की आपके माइंड में होनी चाहिए, एक स्पर्माटोसील का फ्लूइड होता है, एपिडर्मल सिस्ट का फ्लूइड होता है और हाइड्रोसील का फ्लूइड होता है। अगर स्पर्माटोसील का फ्लूइड है तो लाइक आई जस्ट मेंशन्ड कि जब आप इसको एस्पिरेट करोगे तो आपको बिल्कुल ही जो है बार्ली कलर जो है वो फ्लूइड मिलेगा एंड दैट एक्चुअली कंटेन्स डेड स्पर्म्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा वाइटिश सा कलर होता है। जो हाइड्रोसील का जो फ्लूइड होता है वो एम्बर कलर्ड फ्लूइड होता है और जो ये जो एपिडिडिमल सिस्ट का जो फ्लूइड होता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह होता है। देन वी कम ऑन टू द एपिडिडिमल सिस्ट। एपिडिडिमल सिस्ट का पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इट, ड्रॉ अ डायग्राम, इसका हिस्ट्री में क्या पता करोगे इस पेशेंट में, डीडी आपके माइंड में क्या होनी चाहिए मेनली। सॉरी, एपिडिडिमल सिस्ट में आपको पता होना चाहिए कि दिस इसका जो ओरिजिन है इट इज़ डिबेटेड। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो एपिडिडिमल सिस्ट होती है मल्टी लोक्युलर सिस्ट होती है विच अराइजेज फ्रॉम द डायलिटेशन ऑफ द टिब्यूल्स ऑफ द एपिडिडिमस बिकॉज ऑफ द डायलिटेशन ऑफ द टिब्यूल्स ऑफ द एपिडिडिमस, वाइल अदर्स से कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिस्टिक डीजनरेशन ऑफ द वेस्टिजियल रेमनेंट्स ऑफ द एपिडिडिमस, फॉर इंस्टेंस अपेंडिक्स एपिडिडिमस होती है या फिर अपेंडिक्स टेस्टिस होती है। इसमें नेक्स्ट सवाल आता है कि डॉक्टर साहब, ये अपेंडिक्स एपिडिडिमस जो होती है इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है? तो वुल्फियन डक्ट से आ रहा होता है और जो अपेंडिक्स टेस्टिस होता है उसका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन जो होता है इट इज़ अ रेमनेंट ऑफ द मलेरियन और द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। इसको जब आप एस्पिरेट करते हो तो एक तो क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड आपका आता है इसमें। यू नीड टू नो द डायग्राम कि कैसे इसको ड्रॉ करना है। ये ग्रेप लाइक जो होती है, ये मल्टी लोक्युलर स्वेलिंग होती है। इसका डायग्राम जो है वो जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बुक है बड़ा अच्छा दिया हुआ है।
वो आपने लेना है वहाँ से. हाउ डू यू डायग्नोज इट? एक तो इट अपियर्स लाइक अ थर्ड टेस्टिकल है फाउंड एट द हेड ऑफ द एपिडर्मिस, आपको मिलता है अबव एंड बिहाइंड द टेस्टिस. यू कैन फील इट लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स है. सिस्टिक स्वेलिंग होती है, ट्रांस एलिमिनेशन पॉजिटिव होती है. बिकॉज इट इज सिस्टिक तो फ्लक्चुएशन पॉजिटिव होगी. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ब्रिलियंटली ट्रांस एलिमिनेबल होता है ये. और आपको एक चाइनीज लैंटर्न अपियरेंस आती है, मार्बल फ्लोर अपियरेंस आती है. जब आप इसको एस्पिरेट करते हो तो आपको क्रिस्टल क्लियर फ्लोर मिलता है. और इसकी रिलेशनशिप जो पूछी जाती है कि इज इट सेम एज दैट ऑफ दी जो कि ये जो एपिडिडिमल सिस्ट एडिनोमास होते हैं, वॉन हिपलिंडाउ डिजीज. तो कीप इन माइंड कि अल्ट्रासोनोग्राफिकली एंड पैथोलॉजिकली ये जो एपिडिडिमल सिस्ट होती है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी एपिडिडिमल सिस्ट एडिनोमास विच आकर इन वॉन हिपलिंडाउ डिजीज. बिकॉज ये जो एपिडिडिमल सिस्ट एडिनोमास होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सिस्टिक बात कर रहे हैं. क्या चीज़ आपने हिस्ट्री में पेशेंट को पूछना है? यू नीड टू नो वेदर दैट पेशेंट हैज़ कम्प्लीटेड द फैमिली और नॉट, और whether this cystic swelling is symptomatic to the patient or bothersome to the patient or not, and the age of the patient. So ye important criteria hai. एंड जब आप ट्रीटमेंट की बात करते हो तो आपने कहना है कि यू नीड टू काउंसिल द पेशेंट. अगर वो स्मॉल है, एसिम्प्टोमेटिक है, रीअश्योर द पेशेंट कि इसको कुछ भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर वो लार्ज है और वो डिस्कम्फर्ट कॉज कर रही है तो आप इसको कहा जाता है कि एस्पिरेशन एज सच इज़ यूजलेस, बिकॉज सिस जो है वो मल्टीलोक्युलर है तो वो कम्प्लीटली उसको कभी भी एम्प्टी नहीं होगा वो. और दूसरा जो होता है द ट्रीटमेंट ऑप्शन विच इज़ गिवन इज एक्सेशन ऑफ द सिस जो है, दैट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. बट देन यू नीड टू थ्रू द शॉर्टल इंसिजन होता है, बट देन यू नीड टू काउंसिल द पेशेंट कि लुक इट कैन रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ द इम्पेयरमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म. ये इसमें होता है. ओके अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके माइंड में होता है कि ना सिर्फ एपिडिडिमल सिस्ट हो सकता है, स्पर्माटो सील हो सकता है, आपका जो है वो हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड हो सकता है, लाइपोमा ऑफ द कॉर्ड हो सकता है, इट कैन बी सिंपल हाइड्रोसील और वैरिकोसील और एपिडिडिमाइटिस. खैर ये तो बाकी चीज़ें. कॉम्प्लिकेशन सर्जरी को भी आपने जो है कोई सर्जरी करनी है तो वोन इन्फेक्शन हो सकता है, हाइड्रोसील का रिकरेंस वो मतलब उस सिस्टिक स्वेलिंग की रिकरेंस हो सकती है. इसके अलावा जो होता है इंजरी टू द टेस्टिस हो सकता है, एपिडिडिमस हो सकता है, वाज हो सकता है, टेस्टिकुलर वेजल्स हो सकता है, दैट कैन रिजल्ट इन टेस्टिकुलर एट्रोफी और इनफर्टिलिटी. हाइड्रोसील की डेफिनेशन क्या होती है? कहा जाता है कि हाइड्रोसील जो है इट इज़ एन एबनॉर्मल, ये पूछा जाता है इनफैक्ट, इट इज़ एन एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है विच अकर्स विद इन अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द विसरल एंड द पेराइटल लेयर्स ऑफ द ट्यूनिका वजाइनलिस. सो दैट इज वॉट हाइड्रोसील इज़ डिफाइंड एज. और नॉर्मली जो है अबाउट 0.5 ml ऑफ फ्लूइड जो होता है दैट इज सिक्रीटेड कॉन्टीन्यूसली एंड इट इज़ रीअब्जॉर्ब बाय द मेसोथेलियल लेयर. ये डेली ये तब फ्लूइड सिक्रीट होता है और एब्जॉर्ब होता है. फिर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये हाइड्रोसील फ्लूइड का ज़रा कॉम्पोजिशन तो बताएं. सबसे पहले तो आपको इसका कलर पता होना चाहिए, एम्बर कलर फ्लूइड है और ये एक्ज्यूटेट होता है. और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.022 से लेके 1.024 तक होता है. इसका कॉम्पोजिशन में आपको पता हो कि निमोनिक है, फैसल W, जिसमें फिब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन 6% है, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, क्रिएटिन काइनेज है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, पोटाशियम है, वाटर है. और अगर एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो है हाइड्रोसील होगी तो उसमें कोलेस्ट्रॉल और टायरोसिन क्रिस्टल्स मिलेंगे. कीप इन माइंड कि ये जो है नॉन क्लॉटिंग होती है, डज नॉट क्लॉट अनलेस अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इज एडेड टू इट. बिकॉज व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इज एडेड टू इट तो वो जो फिब्रिनोजन होता है ना वो दैट बिकम्स एक्टिवेटेड एंड इट क्लॉट्स फर्मली. इंसिडेंस आपको पता हो कि मेल्स में मेल टू फीमेल रेशियो जो होता है वो 5:1 का होता है. 1-5% आपने इंसिडेंस रखना है. नॉर्मली ये राइट साइड में ज़्यादातर केसेस में होता है, अबाउट 75-90% ऑफ द केसेस में. जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, प्री मेच्योरिटी हो सकती है, लो बर्थ वेट हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइड्रोसील? एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द पेटेंट प्रोसेसेस वजाइनलिस विच रिजल्ट्स इन द कॉन्जेनाइटल कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील in which there is communication with the peritoneal cavity. The other is because of the defective absorption of the fluid hai by the tunica vaginalis, jo ki primary hydrocele mein hota hai. Teesri cheez hoti hai because of the excessive production of the fluid hai, as occurs in malignancy hai ya phir inflammatory condition hai. Aur last but not the least ek cheez hoti hai, interference with the drainage of the fluid hai by the lymphatics hai of the cord, as in filariasis jo ki Bucheria bancrofti hai, koi renal transplantation hai, koi को सेलेक्टमी है, इनकी वजह से होता है.
देन दे आस्क यू के डॉक्टर साहब ज़रा क्लासिफाई तो करें हाइड्रोसील कौन सी टाइप्स की होती हैं. तो यू नीड टू नो के क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोसील में हाइड्रोसील जो है वो कॉन्जेनाइटल या कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील होती है या फिर एक्वायर्ड या फिर नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील होती है विच कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इंटू प्राइमरी एडियोपैथिक होता है या फिर सेकेंडरी हाइड्रोसील. सो जो कॉन्जेनाइटल कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील होती है उसमें आप एग्जाम्पल दे दो मतलब वॉट इज इट ड्यू टू बिकॉज ऑफ द पेटेंट प्रोसेसेस विच एनालिस इन विच विच एक्चुअली कम्युनिकेट्स विद द पेरिटोनियल कैविटी. ठीक है. और बच्चों में नॉर्मली जो होता है कहते हैं कि नॉर्मली जो है द प्रोसेसेस वजाइनलिस जो होता है वो अप टू 2 ईयर्स होता है इट कैन क्लोज स्पॉन्टेनियसली. सो यू शुड वेट इन चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज फॉर इट टू क्लोज स्पॉन्टेनियसली. इफ इट डज नॉट डू सो देन यू गो फॉर सर्जरी इन दैम. और फिर पूछा जाता है डॉक्टर साहब क्या कॉन्जेनाइटल कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील एडल्ट्स में होती है तो आप इसको कहते हो जी सर हो सकती है. एज इन द केस ऑफ ये जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है जिसकी वजह से एसआईटीज़ हो या फिर ट्यूबिकुलस पेरिटोनाइटिस हो या फिर कॉन्टीन्यूस पेरिटोनियल डायलिसिस हो. फिर कहते हैं कि एक्वायर्ड या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील कौन सी होती हैं उसमें आप कहते हो कि सर या तो वो प्राइमरी होती है एडियोपैथिक या फिर होती है सेकेंडरी. अब प्राइमरी एडियोपैथिक जो होती है हमने बताया था बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड है और इसका कॉज जो होता है वो अननोन है एंड इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी एपिडिडिमल और टेस्टिकुलर पैथोलॉजी. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसका जो है मतलब ये जो है यूजुअली इट अकर्स स्लोली और लेकिन जो होता है इट बिकम्स टेंस एंड लार्ज. ठीक. और जो सेकेंडरी हाइड्रोसील है उसमें बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड होता है एंड दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है ट्यूबिकुलस टेस्टिस हो सकता है टीबी एपिडिडिमाइटिस हो सकता है इट कैन बी इंजरी हो सकती है जो कि ट्रामा हो गया पोस्ट हर्नियोग्राफी है पोस्ट वैरिकोसेलेक्टमी है. कहते हैं कि हाइड्रोसील जो है अगर वैरिकोसेलेक्टमी आपने वैरिकोसील के लिए कोई सर्जरी की है तो उसमें इंसिडेंस ऑफ हाइड्रोसील इज अराउंड 3-30% आपके माइंड में होना चाहिए. पूछा जाता है पोस्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद होता है मेलिग्नेंसी के बाद हाइड्रोसील हो सकती है की वजह से हाइड्रोसील हो सकती है. टॉर्शन ऑफ द टेस्टिस में आपको रिएक्टिव हाइड्रोसील 20% ऑफ द केसेस में मिलता है एपिडिडिमोर्काइटिस की वजह से या फिलेरियासिस या बुचीरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से होता है. जो सेकेंडरी हाइड्रोसील होती है बिकॉज ये किसी ना किसी कॉज की वजह से होता है तो इसका एब्रप्ट ऑनसेट होता है बट ये छोटी स्मॉल रहती है और लैक्स रहती है. फिर पूछते हैं डॉक्टर साहब ज़रा डिफ्रेंशिएट आप कैसे करोगे कम्युनिकेटिंग और एक्वायर्ड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील का ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन. तो आप बताते हो कि सर ये जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील होती है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट अबव द स्वेलिंग दैट इज़ वन थिंग. सेकेंडली जो है इसका जो साइज ऑफ द स्वेलिंग जो होता है दैट फ्लक्चुएट्स एज अ पेशेंट लाइज डाउन द फ्लूइड डिसअपियर्स ग्रेजुअली एंड एज अ पेशेंट स्टैंड्स द फ्लूइड रिकलेक्ट्स. तो इट डज द साइज ऑफ द स्वेलिंग जो होता है वेरीज विद अ चेंज इन द पोस्चर ऑफ द पेशेंट. फिर एक पिंच टेस्ट होता है जिसको कहते हैं कि द एबिलिटी टू पिंच द ट्यूनिका इज नेगेटिव और इट इज़ नॉट सीन इन कम्युनिकेटिंग और कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसील है. जो नॉन कम्युनिकेटिंग एक्वायर्ड हाइड्रोसील है दैट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी. इनमें ज़्यादातर केसेस में आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो ये नॉन कम्युनिकेटिंग नहीं होता है इट इज़ पॉसिबल टू गेट अबव द स्वेलिंग देर इज़ नो चेंज इन द साइज ऑफ द स्वेलिंग रिलेटेड टू द पोस्चर. ये जो पिंच टेस्ट होता है द एबिलिटी टू पिंच द ट्यूनिका वजाइनलिस इज़ पॉजिटिव इन दिस पेशेंट्स. अच्छा द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि ये प्राइमरी भी हो सकती है सेकेंडरी भी हो सकती है. सो कोई ना कोई आपको टेस्टिकुलर या एपिडिडिमल की पैथोलॉजी इसमें मिल सकती है और ये एब्रप्ट ऑनसेट होता है अगर ये सेकेंडरी हाइड्रोसील है स्मॉल होती है लैक्स होती है. लेकिन अगर वो प्राइमरी हाइड्रोसील की बात करते हो तो इसमें स्लो ऑनसेट होता है इसका डेवलप्स ग्रेजुअली बट ये टेंस एंड लैक्स टेंस एंड लार्ज होती है. देन कहते हैं कि डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये प्राइमरी हाइड्रोसील है या फिर सेकेंडरी हाइड्रोसील है. तो आप बोलोगे सर प्राइमरी हाइड्रोसील जो होता है नॉर्मली इडियोपैथिक होती है एंड देर इज़ नो एबनॉर्मैलिटी अंडरलाइंग एबनॉर्मैलिटी ऑफ द टेस्टिस एंड द एपिडिडिमस और सिंपली मुझे एक एनेकोइक फ्लूइड कलेक्शन मिलेगी ऑन द एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द टेस्टिस और जो टेस्टिस का इको पैटर्न है बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा. वाइल इन द केस ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोसील मुझे नो डाउट वो फ्लूइड तो मिलेगा ही एनेकोइक फ्लूइड कलेक्शन मिलेगी बट देर इज गोइंग टू बी सम एबनॉर्मैलिटी ऑफ द टेस्टिस एंड एपिडिडिमस. फॉर इंस्टेंस अगर वो ट्यूमर है तो आई वुड फाइंड कि कोई ना कोई हाइपो एकोइक लीजन मिलेगी मुझे टेस्टिस में. अगर वो सेमिनोमा है तो होमोजीनियस लीजन होगी और अगर वो नॉन सेमिनोमैटस जर्म सेल ट्यूमर है तो मुझे हेट्रोजीनियस लीजन मिलेगी. अगर
टॉर्जन ऑफ द टेस्टिस है तो मुझे एब्सेंट फ्लो इन द टेस्टिस मिलेगा, अगर इंजरी ऑफ द टेस्टिस है तो मुझे ट्यूनिका अल्बुजीनिया का टेयर मिलेगा, अगर वो एपिडिडमो आर्थराइटिस है तो मुझे इंक्रीज ब्लड फ्लो मिलेगा इन दैट टेस्टिस और इनलार्ज टेस्टिस मिलेगी, अगर वो टीबी एपिडिडमस है तो मुझे एपिडिडमस जो है वो इनलार्ज मिलेगी और थिकन जो है वो शायद एब्सेस मिल सकती है, साइनस ट्रैक्ट मिल सकता है। स्ट्रोटल फिलेरियासिस में कहते हैं कि एक फिलेरियल डांस साइन होता है जो कि हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड स्कैन में आपको टायरलेस ट्वर्लिंग मूवमेंट ऑफ द लाइव एडल्ट फिलेरियल वर्म होते हैं इन द लिम्फेटिक वेसल्स कैन बी फाउंड। And as far as congenital communicating hydrocele is found concerned, तो इसमें आपको एक अल्ट्रासाउंड में एनेकोइक फ्लूड कलेक्शन मिलेगी इन द स्ट्रोटल सैक विच एक्सटेंड्स अलॉन्ग द इनगुइनल कैनाल एंड देर इज कम्युनिकेशन विद द पेरिटोनियल कैविटी। अच्छा फिर कहते हैं कि कैन एसआईटीज कॉज हाइड्रोसील, तो येस इट कैन कॉज हाइड्रोसील। अच्छा एंड हाउ आर यू गोइंग टू ट्रीट सच अ पेशेंट, तो कहते हैं कि नॉर्मली जो होता है एसआईटीज़ की वजह से अगर हाइड्रोसील होता है और पेशेंट जो है बिल्कुल फिट है तो फिर यू कैन गो फॉर सर्जिकल करेक्शन थ्रू द इनगुइनल अप्रोच। आपको जो प्रोसेसेस वेजाइनलिस को जो है सबसे पहले आपने थ्रू द इनगुइनल अप्रोच आपने लेयर्स जो है ट्रवर्स करनी है, आपने जो है डीकम्प्रेस करना है स्ट्रोटल कंपोनेंट को, प्रोसेसेस वेजाइनलिस को आइडेंटिफाई करना है एंड लाइगेट करना है डीप टू द इंटरनल इनगुइनल रिंग व्हाइल द फ्लोर ऑफ द इनगुइनल कैनाल इज लेफ्ट इंटैक्ट। और क्योंकि अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे तो इट कैन लीड टू मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द पेरिटोनियल फ्लूइड इन द स्क्रोटम कैन अकर। ठीक है, अगर पेशेंट सर्जिकल कैंडिडेट नहीं है तो फिर आप उस पेशेंट को जो है लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस करोगे, एस्पिरेशन करोगे और साथ में उसका स्क्रोटल सपोर्ट दोगे। अच्छा एक चीज होती है, कहा जाता है डॉक्टर साहब ये एसआईटीज कॉन्जेनिटल मतलब हाउ कैन इट कॉज कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील, बिकॉज इस पेशेंट में इस एडल्ट में वो जो प्रोसेसेस वेजाइनलिस था वो तो क्लोज हो चुका है, तो मतलब ये कैसे जो है इसकी कम्युनिकेशन फिर से हो गई है टू द विद द पेरिटोनियल कैविटी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो इसमें कहा जाता है कि देर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये जो एसआईटीज होता है ना अगर मैसिव एसआईटीज है टेंस एसआईटीज है दैट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर विच इन टर्न कॉजेज हर्निएशन ऑफ द पेराइटल पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन इन टू द स्ट्रोटम, मतलब थ्रू द डीप इनगुइनल रिंग थ्रू द इनगुइनल कैनाल थ्रू द सुपरफिशियल इनगुइनल रिंग इन टू द स्ट्रोटम तक चले आते हैं और दैट इज हाउ द फ्लूइड कलेक्शन जो है फ्रॉम द एब्डोमिन इन टू द स्ट्रोटम तक आता है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इसमें जो फ्लूड कलेक्शन जो है वो इंक्रीज हुई भी होती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू द रूटीन रिटेन प्रोटीन्स, और इसकी वजह से जो स्ट्रोटल हाइड्रोसील है वो फिर कम्युनिकेट करती है इन अ रिट्रोग्रेड फैशन या फिर आर ग्लास फैशन विद द एब्डोमिनल कंपोनेंट थ्रू द इनगुइनल कैनाल। और इसमें जो है लैपलेस लॉ का बहुत बड़ा रोल है और लैपलेस लॉ होता ये है कि एज द रेडियस ऑफ द फ्लूड कलेक्शन जो है इंक्रीजेज द इनवर्ड प्रेशर डिक्रीज and that allows the fluid to continue to expand. So इसमें सॉरी अगेन मैं फिर से बोलूँगी, ये जो लैपलेस लॉ है कि इसमें जो फ्लूइड कलेक्शन होती है ना एज अ रेडियस ऑफ द फ्लूइड कलेक्शन इट इंक्रीजेज द इनवर्ड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड दैट अलाउज द फ्लूइड टू कंटिन्यू टू एक्सपैंड। सो सम हाउ जो फ्लूइड आप जो सिक्रीट आउट हो रहा होता है बाय द ट्यूनिका वेजाइनलिस इट कॉन्टिन्यूज़ टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर बिकॉज ऑफ द रिटेन प्रोटीन्स, और इसकी वजह से जो है फ्लूइड कॉन्टिन्यूज़ टू एक्सपैंड इन अ रिट्रोग्रेड मैनर फ्रॉम द स्ट्रोटम जो होता है थ्रू द इनगुइनल कैनाल है अप टू द एब्डोमिनल रीजन है। ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं लिटरेचर में मिला, अदरवाइज ये मिल नहीं रहा था कहीं से। अच्छा डी डी क्या होता है स्ट्रोटल लंब में, सबसे पहले आपके माइंड में हो सकता है कि यार ये वेजाइनल हाइड्रोसील है, इट कैन बी इनगुइनल हर्निया हो सकता है, इट कैन बी एपिडर्मल सिस्ट, इट कैन बी स्पर्मेटोसील, इट कैन बी ट्यूबिकुलस ऑफ द टेस्टिस, इट कैन बी टेस्टिकुलर ट्यूमर, या फिर जो होता है वो एपिडर्मोर्काइटिस हो सकता है, वेरिकोसील हो सकता है, स्ट्रोटल एडीमा हो सकता है वगैरह वगैरह। डी डी ऑफ लम्ब्स इन स्ट्रोटम में अगेन इफ यू मतलब ट्रांस एलिमिनेशन किन लम्ब्स में पॉजिटिव होता है, कोई भी सिस्टिक स्वेलिंग जैसी होती है ना जैसे हाइड्रोसील है एपिडिडिमल सिस्ट है स्पर्मेटोसील है ऑल आर ट्रांसल्यूमिनेंट, किन स्वेलिंग्स में यू कैन नॉट गेट अबव द लंब, फॉर इंस्टेंस इनगुइनल हर्निया में आप ऊपर मतलब यू कैन नॉट गेट अबव इट, दूसरी कॉन्जेनाइटल कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील में यू कैन नॉट गेट अबव इट, फर्निकुलर में यू कैन नॉट गेट अबव इट, इनफेंटाइल में भी नहीं जा सकते आप ऊपर की तरफ। अच्छा किस में यू कैन नॉट फील द टेस्टिकल सेपरेटली, टेस्टिकुलर ट्यूमर हो जाए, वेजाइनल हाइड्रोसील हो जाए, कॉन्जेनाइटल कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील हो जाए, इन्फेंटाइल हाइड्रोसील, इनमें यू कैन नॉट फील द टेस्टिस सेपरेटली। अच्छा फिर कुछ ऐसी स्वेलिंग्स होती हैं
जो कि ट्रांस इल्यूमिनेंट तो होती हैं, बट यू कैन गेट अबव द लंप एंड यू कैन फील द सेपरेट टेस्टिकल. तो ये स्पर्माटोसील होती है, एपिडिडमल सिस्ट होती है और हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड ऐसी होती है. अच्छा, कभी कभार ये होता है, कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हाइड्रोसील डज इट ऑलवेज ट्रांस इल्यूमिनेट? तो नहीं, इसमें वो हाइड्रोसील जिनकी थिक डार्टोस हो, थिक स्पर्माटिक फेशिया हो, थिक हाइड्रोसील का सैक हो, इन्फेक्टेड कॉन्टेंट हो, काइलस फ्लूइड हो, हेमाटोसील हो, दीज डू नॉट ट्रांस इल्यूमिनेट. ये आपके माइंड में पता होना चाहिए, ठीक है. अच्छा, एक चीज़ हर्निया से रिलेटेड मैं बता देती हूँ. द टेस्ट इज़ रिफर टू एज अ रिंग अक्लूजन टेस्ट होता है, जिसमें आप पेशेंट को जो है वो कहते हो कि यू लाई डाउन, रिड्यूस द हर्निया, और फिर आप इसमें जो है अक्लूड करते हो डीप इंग्वाइनल रिंग को बाय द थंब. आगे मैं बताती हूँ कि डीप इंग्वाइनल रिंग किधर होती है. ये एक्चुअली मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट पर होता है, ठीक है. देन होल्डिंग द थंब इन पोजिशन, आप पेशेंट को कहते हो कि भाई अब यू स्टैंड और अब जो है आप कफ करें. अगर तो बल्जिंग आ जाती है तो दैट मीन्स के डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, और अगर देर इज़ नो बल्जिंग दैट मीन्स इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, अगर प्रीवियसली कोई बल्ज था. इस तरह टाइप्स ऑफ हाइड्रोसील, इसमें स्पेशली आपको डायग्रामेटिकली जो है याद होने, डायग्नोस्टिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए, एंड वॉट इज़ द ट्रीटमेंट विच यू आर गोइंग टू ऑफर टू दीज पेशेंट्स, दिस इज़ वॉट इज़ आस्ट इन द वाइवा. सबसे पहले कॉन्जेनाइटल कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील आती है. इसमें ये होता है कि जो पेटेंट प्रोसेसेस वेजाइनलिस है दैट कम्युनिकेट्स विद द पेरिटोनियल कैविटी, एंड इन द फर्स्ट ईयर या टू इयर्स ऑफ लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, ये जो पेटेंट प्रोसेसेस वेजाइनलिस है, इट सॉर्ट ऑफ क्लोजेस स्पॉन्टेनियसली. सो यू शुड डिफर द सर्जरी अप टू टू इयर्स ऑफ एज. इनके डायग्राम तो आपको आना ही आना चाहिए. इसके अलावा डायग्नोस्टिक फीचर्स में होते हैं, यू कैन नॉट गेट अबव द स्वेलिंग, यू कैन नॉट फील द टेस्टिस सेपरेटली फ्रॉम द लंप, फ्लक्चुएंट भी होगा, ट्रांस इल्यूमिनेट भी करेगा ये. And it is going to vary, the size is going to vary with the change in the posture of the patient. Then we have the funicular जो है वो हाइड्रोसील होती है, जिसमें आप कहते हो कि ये जो होती है इनमें जो प्रोसेसेस वजाइनलिस है दैट डज कम्युनिकेट विद द पेरिटोनियल कैविटी, बट इट इज़ शट ऑफ फ्रॉम द ट्यूनिका वजाइनलिस जस्ट अबव द टेस्टिस. सो एक्चुअली यू कैन फील द टेस्टिस सेपरेटली, बट यू कैन इवन गेट अबव द स्वेलिंग एज वेल. इन्फेंटाइल ये होती है कि आपका जो पेटेंट प्रोसेसेस वजाइनलिस जो होता है ये दैट इज शट ऑफ और इट हैज़ नो कम्युनिकेशन विद द पेरिटोनियल कैविटी और इट इज़ शट ऑफ एट द लेवल ऑफ द डीप इंग्वाइनल रिंग है. यू कैन नॉट फील द टेस्ट सेपरेटली, यू कैन नॉट गेट अबव द स्वेलिंग आइदर. सिस्टिक भी है, ट्रांस एलिमिनेंट भी है. अच्छा, फिर ये कहते हैं इसमें इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड होती है. इसमें कहा जाता है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है ना ऑफ द प्रोसेसेस वेजाइनलिस दैट इज़ पेटेंट फिल्ड विद फ्लूइड होता है, वाइल इट्स अपर एंड द लोअर पार्ट जो होते हैं दे ऑब्लिटरेट है, एंड इट कैन अपियर एज अ थर्ड टेस्टिस. और इसमें एक चीज़ होती है विच इज़ रिफर टू एज अ ट्रैक्शन टेस्ट, जिसमें स्लाइटली आप जेंटली ट्रैक्शन अप्लाई करते हो टेस्टिस में और स्वेलिंग जो होती है कम्स डाउन एंड बिकम्स फिक्स्ड एंड लेस मोबाइल हो जाती है. सो दिस इज़ द ट्रैक्शन टेस्ट जो कि आपको करना होता है कि आप जेंटली जो है वो ट्रैक्शन अप्लाई करते हो. Your downward traction is applied onto the testis and the swelling would come down and it would become less fixed or less mobile. Treatment iski hoti hai ki simply excise kar do ye incisted hydrocele of the cord ya fir unroof kar do cystic mass ko. Ek last but not the least ek vaginal hydrocele hoti hai jisko hum log kehte hain ki the fluid jo hai collects between the visceral and the parietal layer of the tunica vaginalis around the testis hai aur ये भी सिस्टिक है, फ्लक्चुएट है, ट्रांस इल्यूमिनेशन इज पॉजिटिव एंड यू कैन नॉट फील द टेस्टिस सेपरेटली बट यू कैन गेट अबव इट और फ्लक्चुएशन इज पॉजिटिव, ट्रांस इल्यूमिनेशन इज पॉजिटिव. फीमेल्स में अगर होती है तो हाइड्रोसील ऑफ द कैनाल ऑफ द नक होता है. विच कंडीशंस में टेस्टिस इज फेल्ट सेपरेटली, आपको इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड में या फिर फनिकुलर में यू कैन फील द टेस्टिस सेपरेटली. एंड विच टाइप्स ऑफ द हाइड्रोसील में यू कैन एक्चुअली गेट अबव द स्वेलिंग, वेजाइनल में यू कैन गेट अबव द स्वेलिंग, इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड में यू कैन गेट अबव द स्वेलिंग. फिर आ जाती है वॉल्स ऑफ द स्ट्रोटम होता है, जिसमें यू नीड टू नो कि भाई स्क्रोटम की जो लेयर्स हैं, स्किन है, डार्टोस है, एक्सटर्नल स्पर्माटिक फेशिया है, क्रोमास्टिक मसल एंड फेशिया है, इंटरनल स्पर्माटिक फेशिया है, ट्यूनिका वेजाइनलिस की जो पेराइटल लेयर है, विसरल लेयर है, ट्यूनिका अल्बुजीनिया, एंड देन फाइनली कम्स द टेस्टिस. हाउ आर यू गोइंग टू डिफ्रेंशिएट इंग्वाइनल हर्निया फ्रॉम हाइड्रोसील? तो आपको पता होना चाहिए कि यार इंग्वाइनल हर्निया में एक तो कफ इंपल्स पॉजिटिव होता है, रिड्यूसेबल हो सकता है ये, यू कैन नॉट गेट अबव द स्वेलिंग, इट इज सेपरेट फ्रॉम द ट्रांस टेस्टिकल, देर इज नो फ्लक्चुएशन एंड देर इज नो ट्रांस एलिमिनेशन. While hydrocele is fluctuant, trans-eliminant, not separate from the testicle, and you can get above it.
देन सुपरफिशियल. अच्छा, हर्निया जो है, जब ये लाहौर में कोर्स हुआ था तो मुमताज़ साहब जो कि पंजाब वाले हैं, उन्होंने, लाहौर वाले हैं, उन्होंने कहा था कि अगर केसेस मतलब शॉर्ट केसेस उनको एडिक्वेटली नहीं मतलब इतने नहीं मिले तो वो हर्निया भी रख सकते हैं शॉर्ट केस में. तो यू नीड टू नो एवरी थिंग अबाउट हर्निया एज़ वेल. अच्छा, सुपरफिशियल या एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग जो होती है कहाँ पर लोकेटेड होती है, ये होती है अबाउट 1.25 सेंटीमीटर्स अबव द प्यूबिक ट्यूबिकल एंड इट इज़ एक्चुअली एन ओपनिंग इन द एक्सटर्नल ओब्लीक एपोन्यूरोसिस. फिर आता है कि व्हाट इज़ डीप या इंटरनल इंग्वाइनल रिंग, ये होती है अबाउट 1.25 सेंटीमीटर्स अबव द मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड इट इज़ एन ओपनिंग और एन अपर्चर इन द फेशिया ट्रांसवर्सलिस. अब यू नीड टू नो व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट. मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट जो होता है हाफ वे बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड द प्यूबिक ट्यूबिकल है. वाइल मिड इंग्वाइनल पॉइंट क्या होता है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट जो होता है हाफ वे होता है बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फेमोरल आर्टरी पल्स and it lies medial to the midpoint of the inguinal ligament. हर्निया क्या होता है, हर्निया इज़ एन एबनॉर्मल प्रोट्रूशन ऑफ अ विस्कस और अ पार्ट ऑफ अ विस्कस थ्रू इट्स नॉर्मल कवरिंग और इन टू एन एबनॉर्मल साइट. इंग्वाइनल कैनाल की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर्स होती है, इट लाइज अबव एंड पैरेलल टू द इंग्वाइनल लिगामेंट और ये जो है पास करती है मीडियली फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग टू द एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग. फिर ये कहते हैं कि भाई इंग्वाइनल कैनाल की आपको जो है बॉर्डर्स पता होने चाहिए. जो एंटीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल ओब्लीक मसल एंड एपोन्यूरोसिस होता है एंड इंटरनल ओब्लीक मसल होती है लैटरली. जो पोस्टीरियर वॉल है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉन्जॉइंट टेंडन मीडियली है एंड द ट्रांसवर्सलिस फेशिया लैटरली है. सुपीरियरली ये रूफ जो होता है दैट इज फॉर्म बाय द कॉन्जॉइंट टेंडन और इंफीरियरली इट इज फॉर्म मीडियली बाय द लैक्यूनर लिगामेंट एंड लैटरली बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट. टाइप्स ऑफ इंग्वाइनल हर्निया में पता होना चाहिए, इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्नियाज होते हैं. जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होते हैं वो मोर कॉमन होते हैं और ये जो होते हैं दे पास थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग एंड लैटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स. वाइल जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होते हैं दे अकर थ्रू अ वीकनेस इन द फेशियल ट्रांसवर्सलिस ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स. रिस्क फैक्टर्स ऑफ हर्निया में बीपीएच जैसे हो गया, इंक्रीज इन द इंट्राब्डोमिनल प्रेशर, सीओपीडी, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो है उसकी वजह से होता है. फिर पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हाउ डज इंग्वाइनल कैनाल डिफर इन चिल्ड्रन एंड व्हाई इज दैट सो सर्जिकली इंपॉर्टेंट. यू नीड टू नो कि जो ऑब्लिकिटी ऑफ द कैनाल जो होता है ना वो डेवलप होती है एज अ चाइल्ड ग्रोज. सो इन चिल्ड्रन में कैनाल बिल्कुल ही शॉर्ट होता है एंड द सुपरफिशियल एंड द डीप इंग्वाइनल रिंग दे ओवरलाई ईच अदर. इसी वजह से चाइल्डहुड इंग्वाइनल हर्नियाज विच आर ड्यू टू द पेटेंट प्रोसेसेस विजाइनलिस, इसमें आप हर्नियोटमी करते हो, दैट मीन्स लाइगेट एंड डिवाइड करते हो प्रोसेसेस पेटेंट प्रोसेसेस विजाइनलिस को और इसमें आपको पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल की रिपेयर या हर्नियोग्राफी की कोई जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज एज सच बोथ द रिंग्स होते हैं दे नियरली सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर. फिर एक चीज़ होती है इंग्वाइनल ट्रायंगल होता है या फिर हसलबैक्स ट्रायंगल होता है. नाउ इसके थ्रू जो है वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो होता है वो दैट अकर्स विद इन इट. इसकी बाउंड्रीज में यू नीड टू नो कि मीडियली जो है वो आता है लैटरल मार्जिन ऑफ द रेक्टस मसल, सुपीरियर लैटरली आपके इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स आते हैं और इन्फीरियरली आपको इंग्वाइनल लिगामेंट आता है. नाउ इंग्वाइनल कैनाल की जो बात हो रही है तो यू नीड टू नो कि व्हाट ट्रवर्सेस इंग्वाइनल कैनाल. मेल्स में कहते हैं कि स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है और इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है, वाइल फीमेल्स में कहते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस होती है एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है. कॉन्टेंट्स क्या होते हैं कॉर्ड के, इसमें कवरिंग्स होती है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रोमास्टिक मसल इन फेशिया एंड इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया. जो आपकी आर्टरीज जाती हैं उसमें आप कहते हो टेस्टिकुलर आर्टरी विच अराइजेज फ्रॉम द एओर्टा, आपका जो है आर्टरी ऑफ द वास डिफरेंस होता है विच अराइजेज फ्रॉम द इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ द इंटरनल आइलियक आर्टरी और क्रोमास्टिक आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ द इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी विच इन इटसेल्फ इज अ ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी. ट्यूब्स जो इसके थ्रू जाती है वो आपका जो है वास डिफरेंस जाता है, पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्स जाता है, लिम्फैटिक्स जाता है. इसके अलावा जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फेमोरल नर्व है, सिंपैथेटिक्स है एंड प्रोसेसेस वजाइनलिस है. फेमोरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज का आपको पता होना चाहिए. फेमोरल ट्रायंगल सुपीरियरली जो है आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है, आपका जो मीडियली है वो आपका जो है मीडियल बॉर्डर एडक्टर लॉन्गस है, लैटरली में आपका मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस मसल है, रूफ में आपका फेशियल लैटा है और फ्लोर या फिर बेस में आपका जो इलियोसॉस है पेक्टीनियस है, इलियोसॉस है, एडक्टर लॉन्गस है. व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल फ्रॉम द लैटरल टू द मीडियल साइड, नेवल इज द निमोनिक फॉर इट, जिसमें फेमोरल नर्व है, आर्टरी है, वेन है, एम्प्टी स्पेस है एंड लिम्फैटिक्स है. एम्प्टी स्पेस इस वजह से होती है फॉर द वेन टू डिस्टेंड.
जो कि फेमोरल कैनाल भी कहलाता है। अच्छा, अब बाउंड्रीज ऑफ फेमोरल कैनाल क्या होती हैं? क्या आपको पता हो कि एंटीरियरली इसका इंग्वाइनल लिगामेंट है, पोस्टीरियरली इसका पेक्टिनियल लिगामेंट है, लैटरली इसकी फेमोरल वेन है, और मीडियली इसका लैक्यूनल लिगामेंट है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्वाइनल हर्निया एंड फेमोरल हर्निया? मेनली फेमोरल हर्निया फीमेल्स में ज़्यादातर कॉमन होता है, इंग्वाइनल हर्निया मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। जो फेमोरल हर्निया लाइज बिलो एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबिकल, वेल इंग्वाइनल हर्निया लाइज अबव एंड मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबिकल। और कहते हैं कि फेमोरल हर्निया में जो होते हैं नैरो नेक होती है, इसलिए अगर ये कभी भी होता है तो यू नीड टू रिपेयर इट प्रॉम्प्टली बिकॉज इट इज़ मोर लाइकली टू स्ट्रैंगुलेट। ये भी हो गया। अच्छा, ये जो बायलैटरल टेस्टिकुलर ट्यूमर, और मतलब ये टेस्टिकुलर ट्यूमर जो है एक तरह से शॉर्ट केस के तौर पर आ सकता है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ हाइड्रोसील। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं ये हम लोग करेंगे GUTB में, अरे नहीं, टेस्टिकुलर ट्यूमर में। इसके अलावा अगर आपको मिले टेस्टिकुलर, जैसे हाइड्रोसील जो है टीबी टेस्टिस में भी पॉसिबल है, तो इसमें आपने जो लैब्स करानी होती हैं उसमें CBC है, मैंटूस टेस्ट है, ESR है, बेसलाइन क्रिएटिनिन है, LFTs बिफोर स्टार्टिंग ATT जो आपके माइंड में होती है, सीरियल अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल होता है, AFB स्टेन है, कल्चर है, PCR है, 3 to 5 होते हैं। इसके अलावा अगर स्पूटम आ रहा है उसको भी भिजवा दो, टिश्यू स्पेसिमेन है, कोई बायोप्सी आपने लिया उसको चेस करोगे, अगर चेस्ट एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, प्लस आपने इसकी जो एपिडिडिमल अगर है या टेस्टिकुलर है तो आप इसको फाइनल एस्पिरेशन करके या बायोप्सी करके जो है उसको वो रूल आउट कर सकते हो कि है क्या इसमें। ट्रीटमेंट क्या होती है टीबी की? हमेशा ATT आपने देनी होती है, 2 months रेजीम होता है, एंड देन मतलब 6 months का टोटल रेजीम होता है जिसमें आप डिवाइड करते हो 2 months एंड 4 months में। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है देन यू नीड टू गो फॉर सर्जरी, जैसे एपिडिडिमल एब्सेस या फिस्टुला फॉर्मेशन है तो फिर आपको ड्रेनेज या एपिडिडिमेक्टमी की जरूरत पड़ेगी। बट देन अगेन ये टीबी टेस्टेस वगैरह ये GUTB में ये इन्फेक्शन के चैप्टर में ज़्यादा अच्छी तरह हम लोग कवर करेंगे। फिर आता है प्राइमरी ट्यूबिकुलोसिस एंड सेकेंडरी ट्यूबिकुलोसिस, थोड़ा सा इसमें मैंने कवर कर दिया है। प्राइमरी ट्यूबिकुलोसिस में मेनली ट्यूबिकुलोसिस जब होता है ना तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकल बैसिलाई है ये दैट इज़ इनहेल थ्रू द लंग्स है टू द एल्वियोलाई है, और वहाँ पर जाके दे आर फैकोसाइटोज बाय द मैक्रोफाजेस एंड फ्रॉम देयर दे आर कैरिड टू द रीजनल लिम्फ नोड्स, और वहाँ से ये थोरासिक डक्ट्स जो है वो पे डिलीवर करता है इन माइक्रोबैक्टीरिया को टू द वीनस ब्लड एंड दैट रिजल्ट्स इन द सीडिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जिसमें किडनी हो सकता है, रीनल पेल्विस हो सकता है, यूरेटर हो सकता है, ब्लैडर हो सकता है, वहाँ से जो है ये फिर टेस्टिकुलर टेस्टिस में या फिर एपिडिडिमस में जा सकता है। प्राइमरी ट्यूबिकुलोसिस में पेशेंट की इम्यूनिटी बिल्कुल नॉर्मल होती है, पेशेंट जो है वो एक्सपोज्ड होता है टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकल बैसिलाई और वो दैट इज इनहेल्ड थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गोज इनटू द एल्वियोलाई, इंजेस्टेड बाय द मैक्रोफाजेस व्हिच आइदर किल्स दैट और इट दैट बैसिलाई लाइज डोरमेंट इन द मैक्रोफाज। ठीक है, ओके। और सेकेंडरी जो ट्यूबिकुलोसिस उस वक्त होता है जब पेशेंट की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और पेशेंट का प्रीवियस एक्सपोजर टू द बैसिलाई हो चुका हुआ होता है और उसका जो है वो रीएक्टिवेशन होता है उन माइकोबैक्टीरियम बैसिलाई का। नाउ जब आपने एग्जामिनेशन एक पेशेंट का हाइड्रोसील का कर दिया, अब एग्जामिनर आपसे पूछता है डॉक्टर साहब अब हाउ आर यू गोइंग टू प्रोसीड, तो आप उसमें बोलोगे सर आई वुड लाइक टू टेक अ डिटेल्ड हिस्ट्री एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू गो फॉर श्रोटल अल्ट्रासाउंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ द श्रोटम इन दिस पेशेंट बिकॉज आई कुड नॉट फील द tested separately from the lumps and I would like to rule out testicular tumor in these patients, in the patient. Doctor saab, aap history mein kya pata karna chahenge? Sir, I would like to know whether this this hydrocele is symptomatic, whether it is causing any heaviness, pain, or whether it is cosmetically unappealing to the patient. What was the duration? Was there any inciting event as in trauma, surgery, tumor, torsion, infection, or... और या फिर क्रॉनिक कोई लिवर कंडीशन तो नहीं है इस पेशेंट को, और मैंने अल्ट्रासाउंड इसलिए कराना है बिकॉज आई कुड नॉट रियली फील द टेस्ट सेपरेटली फ्रॉम द लंप एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू रूल आउट टेस्टिकुलर ट्यूमर विच इज़ अ सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइड्रोसील। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इंडिकेशंस होती हैं इंटरवेंशन की इन पेशेंट विद हाइड्रोसील? यू नीड टू नो कि यार तो वो सिम्टोमेटिक हो, मतलब वो सिम्टम जो है बॉदरसम टू द पेशेंट है, या वो पेन हो रहा है, या फिर इंक्रीज साइज है विच इज़ इम्पेयरिंग द डेली एक्टिविटीज ऑफ पेशेंट, या फिर जो होती है उसके कॉस्मेटिकली अनअपीलिंग है, या फिर बार टू एंट्री इनटू द आर्म्ड सर्विसेज है, या फिर एनी कॉम्प्लिकेशन विच आकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट है। अच्छा, फिर कहते हैं कि
40-year-old पेशेंट को जिसको पेनलेस हाइड्रोसील है, वाई वुड यू लाइक टू ट्रीट इट? एक रीज़न ये होती है कि कॉस्मेटिकली यानी पीलिंग हो, दूसरी ये रीज़न होती है कि बिकॉज ऑफ बार टू द एंट्री इन टू द आर्म्ड सर्विसेज, दैट कुड बी द रीज़न फॉर इट. तीसरी ये चीज़ हो जाती है कि लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशन में डिवेलप इफ इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड, सो दैट इज़ आई वुड लाइक टू ट्रीट इट. फिर वॉट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू द रिपेयर ऑफ द हाइड्रोसील? इसमें पता होना चाहिए कि अगर टेस्टिकुलर ट्यूमर है या फिर सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइड्रोसील है तो यू नीड टू ट्रीट दोज कॉजेज फर्स्ट. मतलब टेस्टिकुलर ट्यूमर में आप रेडिकल इनगुआल ऑर्किडेक्टमी करोगे रादर देन ट्रीटिंग द हाइड्रोसील. या फिर एक पेशेंट को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है उसमें आप एस्पिरेट करोगे. अगर पेशेंट जो है वो फिट नहीं है तो फिर उसमें आप ऑब्वियसली यू जस्ट गोना गो फॉर द एस्पिरेशन एंड नॉट ट्रीट. मतलब उसके आप डेफिनेटिव वो ओपन में नहीं जाओगे. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं हाइड्रोसील की? एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है. दूसरा उसकी जो है वो ट्रॉमेटिक रप्चर हो सकता है, हेमाटोसील हो सकता है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इनटू द सैक की वजह से, कैल्सिफिकेशन ऑफ द वॉल ऑफ द सैक हो सकता है, हर्निएशन ऑफ द हाइड्रोसील सैक हो सकता है, एट्रोफी ऑफ द टेस्टिस हो सकता है. अब आपने अगर सर्जरी कर दी हाइड्रोसील पे तो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन चक्कर एज अ रिजल्ट ऑफ इट, और व्हाट इज द इंसिडेंस? 19% इंसिडेंस कॉम्प्लिकेशन का है जिसमें आप कहते हो भाई इसमें वूंड इन्फेक्शन हो सकती है, इसमें रिकरेंस हो सकती है, इसमें जो है वो आपकी जो है हीमाटोमा फॉर्मेशन हो सकती है, आपने या तो इंजरी जो है वास डेफरेंस की दी की है, एपिडिडिमिस की है, टेस्टिस की है, दैट कैन रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी या टेस्टिकुलर एट्रोफी, और आपका जो है वो इलियो इनगुआल या जेनाइटोफेमोरल नर्व की इंजरी भी हो सकती है. व्हाट ट्रीटमेंट आर यू गोइंग टू ऑफर टू दिस पेशेंट? आप बोलोगे सर इट डिपेंड्स वेदर दिस पेशेंट हैज कॉन्जेनाइटल और कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील या फिर इसको जो है एक्वायर्ड नॉन कम्युनिकेटिंग है. अगर तो कॉन्जेनाइटल कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील है और वो बच्चों में है तो फिर इसमें ये जो है यू हैव टू वेट फॉर अप टू 2 years फॉर इट टू रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली. इफ इट डज नॉट डू सो देन यू ऑफर द पेशेंट सर्जरी एंड दैट टू थ्रू द इनगुइनल इंसिजन. आपने जो है आइडेंटिफाई करना है सैक को, ओपन करना है जस्ट टू चेक कि कोई बाउल तो नहीं है उसमें, और फिर आपने जो है वो पेटन प्रोसेसिव वजाइनल को जो है लाइगेट करना है डीप टू द इंटरनल इनगुइनल रिंग. दिस इज़ अ सर्जरी. अच्छा जो अगर ये आपका एक्वायर्ड या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील है और वो सेकेंडरी हाइड्रोसील है तो यू नीड टू ट्रीट द कॉज रादर देन ट्रीटिंग द हाइड्रोसील. और अगर वो प्राइमरी हाइड्रोसील है तो फिर आपका ऑप्शन, नंबर ऑफ ऑप्शन है, यू टेल द सर्जन कि सर अगर ये छोटा है, स्मॉल है, एसिम्प्टोमेटिक है तो सिंपली मैं इसको वॉचफुल वेटिंग पे जाऊँगा. अगर या फिर अगर पेशेंट जो है देर आर इंडिकेशंस, मैं इसमें एस्पिरेशन प्लस मैंने स्क्लेरोथेरेपी ऑफर कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज आई हैव रूल्ड आउट टेस्टिकुलर ट्यूमर, एज लॉन्ग एज आई हैव रूल्ड आउट कॉन्जेनाइटल कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील इन द पेशेंट. या फिर मैं इसमें ओपन सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं जिसमें जैबलीज है, लॉर्ड स्प्लाइकेशन है, या फिर एक्सेशन ऑफ द सैक है विद ओवरस्यूइंग ऑफ द एजेस है. ये जो आप एस्पिरेशन कर रहे होते हो, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ एस्पिरेशन? एक तो कहा जाता है कि भाई सिम्टोमेटिक पेशेंट अगर हो जो कि एल्डरली है, फ्रेल है, अनफिट फॉर सर्जरी है, कैन नॉट टॉलरेट एनेस्थीसिया, डज नॉट वांट सर्जरी है, तो इनमें आप ये दे सकते हो. इवन फिट पेशेंट्स में भी आप इस पेशेंट को ऑफर कर सकते हो आफ्टर इन्फॉर्म कंसेंट कि इसका जो है वो सक्सेस रेट थोड़ा कम है, कॉम्प्लिकेशंस हायर हैं, बट यू नीड टू रूल आउट टेस्टिकुलर ट्यूमर, यू नीड टू रूल आउट कॉन्जेनाइटल कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील बिकॉज अदरवाइज होता है वो केमिकल पेरिटोनाइटिस वो कॉज करेगा. कौन से एजेंट्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो एज स्क्लेरोजेंट्स? आप इसमें 500 mg टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हो, 3% सोडियम टेट्राडिसाइल सल्फेट यूज़ कर सकते हो, पॉलीडोकानॉल करते हो, 95% अल्कोहल होता है, इथेनॉल इमीन ओलिएट होता है, 2.5% फिनॉल सोल्यूशन इज़ यूज. कितना आप यूज़ करते हो? ट्रेडिशनली इसको कहा जाता था कि सिंपली 10 ml आप इंजेक्ट कर देते हो, बट अब ये कहा जाता है कि जितना वॉल्यूम उसको एस्पिरेट करते हो उतना ही तकरीबन 200 to 400 ml जो होता है आप एजेंट डाल सकते हो इसके अंदर. ओके इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? इसमें एक तो इन्फेक्शन हो सकती है, रिकरेंस हो सकती है हाइड्रोसील की, हेमाटोमा हो सकता है, क्रॉनिक शोटल पेन के नाकर इन अबाउट 30-55% ऑफ द केसेस, आपका इंजरी टू द टेस्टिस हो सकता है, केमिकल एपिडर्मोआर्काइटिस हो सकता है. हाउ डू यू गो अबाउट इट? इनिशियली आपने जो है परक्यूटेनियसली नीडल डाल के आपने एस्पिरेट करना होता है हाइड्रोसील फ्लूइड, और उसको फिर जो है आपने जो है उसके बाद आपने इंजेक्ट करना है लोकल एनेस्थीसिया, और फिर आपने इंस्टॉल करना है स्क्लेरोजिंग एजेंट. यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये पेनफुल होता है, मोर देन वन आपको जो है सेशन में भी रिक्वायर्ड. जो सिंगल ट्रीटमेंट सक्सेस रेट जो स्क्लेरोथेरेपी का है वो 33-75% है, कॉम्प्लिकेशन इसमें हायर है. अच्छा फिर आ जाता है कि डॉक्टर साहब ये जो जैबलेज
क्या होता है, लॉर्ड्स प्लिकेशन क्या होती है, एंड कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होती है, ये आपको बताओ. ये आगे कर लेते हैं, इधर करेंगे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे. अच्छा, देन ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोसील इन इन्फेंट्स एंड चाइल्डहुड में मैंने बताया हुआ है कि यू हैव टू वेट फॉर 2 ईयर्स. इफ इट पर्सिस्ट बियॉन्ड दैट देन सर्जिकल ट्रीटमेंट इज नेसेसरी एंड दैट टू यू गो थ्रू द इन्वॉल्वरी इंसिजन है एंड आपने ओपन करना हर्नियल सैक को. मेक श्योर के बाउल नहीं है उसमें और फिर आपने हाई लाइगेशन ऑफ द पेटेंट प्रोसेस वेजाइनल एट द लेवल ऑफ द डीप इनग्वाइनल रिंग जो है वो आप इसको करते हो. अगर यंग मैन है तो येस यू कैन ऑफर द पेशेंट सर्जरी. अगर 80-year-old मैन है क्या आप इसको ट्रीट करोगे? आप बोलोगे सर अगर पेशेंट व्हील चेयर बाउंड है, बहुत से कोमॉर्बिड्स हैं, इमोबाइल है, तो इट इज़ बेटर नॉट टू ट्रीट इट बिकॉज अदरवाइज फर्नियस गैंग्रीन के नाका. अच्छा, ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं हाइड्रोसील में ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या क्या होते हैं. प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स में कहते हैं फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन आपको देना होता है इन पेशेंट्स में. कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, डिपेंड्स कि हाइड्रोसील किस किस्म की है. अगर तो हाइड्रोसील जो है वो मीडियम साइज होती है तो इन दैट केस आप लॉर्ड्स प्लिकेशन करते हो और थिन वॉल्ड सैक होता है जिसमें आपने सिंपली जो है वो एजेस ऑफ द सैक को आपने प्लिकेट करने हैं एट रेगुलर इंटरवल्स हैं. दिस इज़ वॉट लॉर्ड्स प्लिकेशन इज़ दैट इसमें आपने जो है सैक को प्लिकेट करना है विद अ सीरीज ऑफ इंटरप्टेड स्टिचेस टू द जंक्शन ऑफ द टेस्टिस एंड द एपिडिडिमस. फिर एक चीज़ होती है मुझे रिफर टू द जैबलेज विंकलमैन प्रोसीजर या बॉटल नेक प्रोसीजर होता है. इसको आप उस वक्त करते हो जब आपकी हाइड्रोसील जो है वो लार्ज होती है, थिन वॉल्ड होती है और इसमें सिंपली आपने एक्साइज करना होता है सैक को, इवर्ट करना होता है और अप्रॉक्सीमेट करना होता है बिहाइंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ है एक्सेशन ऑफ द हाइड्रोसील सैक विद ओवरस्यूइंग ऑफ द एजेस जिसमें आप सैक को ओपन करते हो और सिंपली आप ओवरस्यू कर देते हो इसके एजेस को विद क्रोमेक 3-0. और इसमें ये स्पेशली लार्ज हाइड्रोसील होती है, थिक वॉल्ड होती है, लॉक्यूलेटेड होती है, इन्फेक्टेड होती है जिसमें आप करते हो. अप्रोच जो है इन्वॉल्व अप्रोच उन केसेस में आप करते हो जिसमें आपको शक हो कि यार टेस्टिकुलर ट्यूमर हो सकता है. अदरवाइज स्क्रोटल अप्रोच इज द वन विच इज़ यूज जिसमें सबसे पहले आपने लेयर्स को ट्रवर्स करना है. आइदर आप मीडियन राफे के थ्रू जा सकते हो या फिर यूनिलैटरल हेमी स्क्रोटल ट्रांसवर्स इंसिशन दे सकते हो. आपने जो है लेयर्स को ट्रवर्स किया और ट्यूनिका वेजाइनलिस तक आप जैसे ही आए आपको जो है वो जो हाइड्रोसील का जो फ्लूइड है उसका ब्लू टिंट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है. ये ब्लू कलर जो है हाइड्रोसील सैक का वो विजुलाइज होना शुरू हो जाता है. यू डोंट एक्चुअली ओपन अप द ट्यूनिका वेजाइनलिस, आपने सिंपली अब हाइड्रोसील सैक को डायसेक्ट आउट करना है फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यूज. और फिर जब आपने हाइड्रोसील सैक को डिलीवर कर देना है अब आपने इसमें एक छोटी सी ओपनिंग देनी है और फिर आपने इसको सक्शन आउट करना है. व्हेन यू इनसाइज इट ओपन यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू इंजर द टेस्टिस एपिडिडिमस और द कॉर्ड स्ट्रक्चर्स. अब आपने इसको सक्शन आउट करना है सीरस फ्लूइड को या एम्बर कलर फ्लूइड को. अब हाइड्रोसील सैक को जब आपने ओपन कर दिया नाउ यू थिंक कि अब मैंने फर्दर जो है कौन सी टाइप ऑफ रिपेयर जो है चूज़ करनी है जिसमें मेनली जो टाइप ऑफ रिपेयर है वो आपको इंट्रो ऑपरेटिवली जाके एक आइडिया होता है या फिर अल्ट्रासाउंड पे भी पता चल जाता है. बहुत ही हाई सक्सेस रेट है, लो रिकरेंस रेट है अगर आप ओपन सर्जरी की तरफ जा रहे हो. इतना सक्सेस रेट है कि 90-100% है ऑल टेक्निक्स का. अगर आपको लगता है कि हाइड्रोसील लॉन्ग स्टैंडिंग है, थिक वॉल्ड है, इन्फेक्टेड है, लॉक्यूलेटेड है, सिंपली आपने जो सैक है उसको आपने एक्साइज करना है लीविंग इनफ रूम टू ओवरस्यू द एजेस ऑफ द एक्साइज सैक विदाउट एंडेंजरिंग द कॉर्ड और द एपिडिडिमस विद 3-0 क्रोमिक सूचर्स. ठीक है. अच्छा, या फिर अगर वो जो है लार्ज है हाइड्रोसील फ्लॉपी है बट थिन हाइड्रोसील सैक है तो इसमें आपने हाइड्रोसील सैक को एक्साइज करना है बट अ लार्जर मार्जिन ऑफ एक्सेजन शुड बी लेफ्ट टू इवर्ट द सैक एंड अप्रॉक्सीमेटेड पोस्टीरियर बिहाइंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड. लॉर्ड्स प्लिकेशन में आपको मीडियम साइज जो होता है सैक होता है, हाइड्रोसील सैक होता है लेकिन थिन वॉल्ड होता है. And it should never be used in large, long-standing, thick-walled, multi-loculated hydrocele sac because then it will leave a large bundle of plicated tissue in the scrotum और वो बहुत unsatisfactory होता है for the patient. इसमें आपने जो कट एज ऑफ द सैक है उसको आइदर आप कॉटराइज करते हो या ओवरस्यू करते हो. कहते हैं कि आपने जो है एजेस ऑफ द सैक को सिंपली प्लिकेट कर लेना है यूजिंग रेडियली प्लेस्ड इंटरप्टेड स्टिचेस जो 3-0 क्रोमिक से आप प्लेस करते हो 1 centimeter अपार्ट है एट द जंक्शन ऑफ द टेस्टिस एंड द एपिडिडिमस है फॉर्मिंग अ कॉलर अराउंड द टेस्टिस है. ये आ जाता है इसमें. स्पेशली अगर एक्साइज करते हो तो इसमें हिमाटोमा के ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्लिकेट करते हो तो उसमें रिकरेंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं. इनका डायग्राम बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, कैम्बल का है, पेज 1010. इसमें फिगर 30
7.13 में आपको जैबलेस बॉटल नेक टेक्निक है, फिगर 37.14 में लॉर्ड्स प्लाइकेशन है, और फिगर 37-12 में एक्सेशन ऑफ द हाइड्रोसील सैक एंड ओवरस्यूइंग ऑफ द एजेस बहुत अच्छा बताया हुआ है। पोस्ट ऑपरेटिवली आप इसमें टोटल सपोर्ट दे सकते हो, आप इसको आइस पैक अप्लाई कर सकते हो 48 आवर्स के लिए, ओरल एनाल्जेसिक्स दे सकते हो, एंटीबायोटिक्स दे सकते हो। पेशेंट को आपने काउंसिल करना है कि अप टू 2 मंथ्स तक लग सकता है टाइम फॉर द स्ट्रोटम एंड इट्स कॉन्टेंट्स टू रिटर्न टू द नॉर्मल साइज। फिर एक सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये जो आप इंसिजन देते हो ये कौन से इंसिजन आपने किस वक्त देना है? तो आप बोलोगे सर अगर वो स्मॉल हाइड्रोसील है तो इसमें तो मैं सिंपल एक मिडलाइन इंसिजन दूंगा थ्रू द मीडियन राफे, दैट इज़ इनफ। या लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन मीडियन राफे से मैं दे दूंगा क्योंकि मुझे कोई भी इलेप्टिकल मतलब स्किन एक्सीजन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे ही स्मॉल हाइड्रोसील है। लेकिन अगर वो बिग या लार्ज हाइड्रोसील है तो आई नीड टू एक्साइज अ पार्ट ऑफ द टोटल स्किन। जब वो हाइड्रोसील ड्रेन आउट होगी तो टोटल स्किन बहुत ही ज़्यादा रिडंडेंट बच जाएगी। फॉर दैट रीजन मैं इस पेशेंट में जो है वो ट्रांसवर्स यूनिलैटरल एलिप्टिकल इंसिजन दूंगा और जो स्किन जो होगी विच इज इंक्लूडेड इन द एलिप्स दैट इज सपोज टू बी एक्साइज्ड। ठीक है, अब एक ये भी सवाल आता है डॉक्टर साहब ये जो इवर्जन की आप बात करते हो, जो जैबलेस प्रोसीजर है या फिर एक्सीजन की बात करते हो, ये इसमें क्या रैशनल बिहाइंड इट क्या है? तो अगर आपने इवर्जन की बात की तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेसोथेलियल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वजाइनलिस होता है जो कि सिक्रीट आउट कर रहा होता है फ्लूइड को या हाइड्रोसील जो बनाता है, नाउ जब आप इसको इवर्ट कर देते हो तो दिस सर्फेस सिक्रीटरी सर्फेस होता है नाउ कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विद द सबक्यूटेनियस टिश्यूज ऑफ द स्क्रोटम। तो इस वजह से जितना भी वो फ्लूड अब बन रहा है दैट इज इमीडिएटली एब्जॉर्ब बाय द स्ट्रोटल लिम्फैटिक्स एंड द वेन्स, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन विद द सबक्यूटेनियस टिश्यूज, ये जो सिक्रीटिंग एंडोथेलियल लेयर होता है ना ऑफ द सैक, इट चेंजेस इट कैरेक्टर एंड ग्रेजुअली ये जो है वो स्टॉप कर देगा सिक्रीटिंग। जब आप एक्सीजन की ऑफ द सैक की बात करते हो तो इसकी लॉजिक ये होती है बिकॉज आपने एक्साइज जब कर दिया उस सैक को या स्किन की कवरिंग को या मेसोथेलियल लेयर को, तो आपने डिक्रीज कर दी उसकी सिक्रीटरी सरफेस ऑफ द ट्यूनिका वजाइनलिस, दैट इज़ द रैशनल बिहाइंड इट। ड्रेनेज के लिए आप उसका फॉर 48 आवर्स जो है वो अलाउ कर सकते हो, एंड दैट इज़ आई गेस इट, ये दैट इज़ इट, हाइड्रोसील हो गया।